इनसे थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। जोहार दादा। जोहार। आज शहीद शक्तिनाथ महतो जी को जो है आप यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उनके शहादत को लेकर के, उनके जो आंदोलन जो किए उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने 88,000 कुर्बानी देने के बाद, 88 सालों के संघर्ष के बाद झारखंड को बनाए। उनका एक सपना था कि झारखंड बनेगा तो झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 24 साल होने के बाद भी झारखंड वहीं का वहीं खड़ा है जहां से अलग, यहां तक कि कहा जा सकता है कि उससे भी बदतर स्थिति में है। मैं इसलिए नहीं बातें कर रहा हूं कि मैं कोई हवा हवाई बातें कर रहा हूं, अगर सारे आंकड़ों को उठा के देख लिया जाए, सारे डाटा को उठा के देख लिया जाए, मैं हमेशा डाटा एनालिसिस की बात करता हूं और डाटा पे एनालिसिस करता हूं, तो सभी चीज़ों को अगर देखने के बारीकी से देखने पर एक ही चीज़ पता चलता है कि झारखंड गर्त पे जा रहा है। इन नेताओं ने, इन मंत्रियों ने कहां ले जाके झारखंड को धकेल दिया है, किस खाई में धकेल दिया है, शायद झारखंड की जनता को मालूम भी नहीं है। शक्तिदा का शहादत दिवस है। इन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी संघर्ष, पहली पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। आज देखिए, पहला पीढ़ी ने गोली खाया, गोली खा के झारखंड को अलग करवा दिया। हम दूसरी पीढ़ी हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं ताकि तीसरी पीढ़ी राज कर सके। जेल जाने की बात, हाँ, जेल जाने की जो बात थी, हम लोगों ने जेल भी गए, हम हमारे ऊपर केस भी हुआ है, हमारे सुप्रीमो पर केस हुए, उन पर 14 धाराएं लगी, हम पर 6 धाराएं और हमारे अनेक साथियों पर धाराएं लगी। तो कहने का मतलब, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ताकि आने वाला का झारखंड जो है वो एक, जिस तरह का सपना पूर्वजों ने देखा था, जिस तरह का सपना शक्तिदान ने देखा था, जिस तरह का सपना निर्मल दान ने देखा था, जिस तरह का सपना विनोद बाबू ने देखा था, उस तरह का सपने जो साकार हो सके। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आने वाली जनता और हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझ नहीं पाती। समझना पड़ेगा, हर किसी को समझना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले डाटा की, तो डाटा में आप एजुकेशन को उठा के देख लीजिए तो पूरा भारत में अगर कहीं के गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था है तो झारखंड की है। पूरा भारत में बिहार के बाद सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था में झारखंड आता है। कितना दुर्भाग्य की बात है, जिस राज्य ने, जिस स्टेट ने केवल 2022-23 के डाटे की बात करें तो 3736 करोड़ के आसपास केवल रेवेन्यू अपना जनरेट किया केवल कोयला में। हमारे पास कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें 40% खनिज है और उसमें 42% का गरीबी का दर्द झेल रहा है झारखंड। इसके लिए झारखंड तो नहीं बनाया था, शक्तिदा ने इसलिए तो नहीं लड़ाई किया था, शक्तिदा ने इसलिए तो शहादत नहीं दिया था कि 40% रेवेन्यू देने वाला स्टेट 42% का गरीबी झेलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग का डाटा कह रहा है। नीति आयोग का डाटा कह रही है कि सबसे भारत में सबसे गरीब वाले राज्यों में, सबसे गरीब मजदूर सप्लाई करने वाले राज्यों में झारखंड का नंबर आता है। पहले सबसे ज़्यादा गरीब अगर कोई राज्य है तो बिहार है, दूसरे नंबर पर झारखंड का आता है, तीसरे नंबर पर बंगाल का नंबर आता है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं से मजदूर सप्लाई किए जाते हैं, सबसे सस्ते मजदूर सप्लाई किए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बिहार से सप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर झारखंड से आते हैं और तीसरे नंबर पर बंगाल का नंबर आता है। आप कोई ऐसा स्टेट चले जाइए, कोई ऐसा कंट्री चले जाइए जहाँ झारखंड के लोग मजदूरी नहीं कर रहे होंगे तो हम मान जाएंगे। हर स्टेट में आपको लोग यहाँ की मजदूरी करते हुए मिलेंगे और वो भी मजदूरी क्या, 10,000 रुपये 12,000 रुपये। ये दुर्भाग्य की बात है, समझने वाला। इस सब चीज़ों को हम सभी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, आने वाले जनरेशन को समझना चाहिए और बुद्धिजीवी लोगों को, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं सभी को समझना पड़ेगा इस बात पे। अगर झारखंड कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग, किस खाई में धकेल रहे हैं। ये केवल हम रेवेन्यू की बात किए, एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन का निचला स्तर कितना है देख लीजिए, हर स्टेट अपना जीडीपी का कम से कम 25 से 30% खर्च करती है, हमारे यहाँ सरकारें मात्र 2 से 3% खर्च करती है। वो जानती है कि यहाँ के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो होशियार होंगे, चलाक होंगे, अपना हर चीज़ में हिस्सेदारी मांगेंगे, कोयला में हिस्सेदारी मांगेंगे, सोना चांदी अभ्रक सब में हिस्सेदारी मांगेंगे, इसलिए इनको पढ़ने ही नहीं देना है। कितने लोग चलाक हो पाए हैं, आज ये आदिवासियों की सरकार कहते हैं फिर से उसी की सरकार बनी है, चलिए हम मानते हैं इसी की सरकार को। अगर आदिवासियों की भला करने की बात है तो आदिवासी में बिरसा मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये आंकड़ा है कि यहाँ पर आदिवासी मात्र जो है वो 10% ही मैट्रिक पास कर पाते हैं, 10%। अब सोच के देखिए कितना निचला स्तर गिरा हुआ है। ये हमेशा कहते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, किस प्रकार के हैं, और यहाँ के जो मूलवासी हैं उनकी स्थिति भी उनसे कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, उनका भी बदतर से बदतर ही स्थिति है। आप लोगों ने जो बदलाव को लेकर के आंदोलन किया, आंदोलन तेज किया जेएल के एम पार्टी जयराम महतो जी के नेतृत्व पे, तो वो तो आखिर अब जो विधायक तो बन गए हैं तो फिर वो अपने स्तर से किस प्रकार का बदलाव जो कर सकते हैं? देखिए, एक विधायक का बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है, जो स्पष्ट है मैंने बता देना चाहता हूँ, उनका एक बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है। वो अपना क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, नली गली सड़क बना सकते हैं। नीतियाँ पॉलिसी हमेशा सरकार बनाती है, मंत्रिमंडल बनाती है, कैबिनेट डिसाइड करती है, और कैबिनेट में अभी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो हम गठबंधन की सरकार से कहेंगे कि पिछला सरकार आपका सबसे बेहुदा सरकार रही, सबसे निकम्मी सरकार रही, सबसे घटिया सरकार रही,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने 5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया, लेकिन उसी के कार्मिक विभाग का डाटा उठा के देख लीजिए, पूरा 5 सालों में मात्र 14,000 सरकारी नौकरी दिए, 14,000 में 50% जो है बाहरियों को नौकरी दिए, तो मैं कितना बचा, यानी 7,000 आपने नौकरी दिया 7,000 झारखंडियों को। आपने कहा कि 75% जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, जितनी प्राइवेट कंपनियां, उसमें 75% हमारे बच्चों को, आप देख लीजिए सिजुआ में कितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां उठा के देख लीजिए, क्या वहां झारखंड के 75% लोग काम कर रहे हैं, वहां वर्क कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में, क्या झारखंड के 75% बच्चे वहां काम वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मतलब नीति बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे, जार कहां रहे, हवा में बना रहे आप, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? 5 साल तक क्या जयराम माता जी को जो उनके चाहने वाले लोगों ने मिलकर के जो जिताया, तो क्या 5 साल तक उससे उनसे जो कोई उम्मीद न लगाए? नहीं, एकदम उम्मीद रखे, वो अपना बखूबी जो जो बातें हम लोग सड़क पर उठाते थे वो अब सदन में उठेगी, हम लोग जो स्थानीय नीति की बात करते थे सड़क पे वो अब सदन में होगा, जो बातें हम नियोजन के करते थे सड़क पे वो जाके बात होगा सदन में, जो बातें हम विस्थापन नीति की बात करते थे वो विस्थापन नीति की बात होगा अब सदन में। तो उनका पावर आवाज को उठाना है। देखिए कुंवर नारायण ने एक बहुत अच्छा बात कहा था कि कभी भी लोकतांत्रिक देश में कभी भी सड़क सुना नहीं हो जाए, होना चाहिए, अगर सड़क सुना होता तो सदन आवारा हो जाता है। हम लोगों ने 3 साल तक सड़क को सुना नहीं पड़ने दिया, लेकिन एक साथ ही हमारा सदन गया है, तो वो जिन मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़े थे उनका बातें वहाँ उठाएगी। अब बात रहा विस्थापन का दर्द, तो विस्थापन का दर्द, विस्थापन का जिनके आज शहादत दिवस है, विस्थापन की लड़ाई बहुत जोरों से लड़े थे और उनके लिए शहादत भी दिए, विस्थापन का दर्द इतना झारखंड में है कि 15 लाख हेक्टेयर जमीनें केवल सीसीएल बीसीसीएल ईसीएसएल टाटा मेदांता उषा माटी जैसे कंपनियों ने ले लिया और लगभग 7 लाख लोगों को विस्थापित किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विनर की एक पुस्तक है द सॉयल सन्स ऑफ सॉयल, उन पुस्तक में लिखा हुआ है कि 7 लाख लोगों को विस्थापित किया उस समय 1985 के दशक में, और 7 लाख लोगों में मात्र वो करीब 90 से 1 लाख के आसपास ही वो नौकरियां दे पाई थी, उसमें किसने झाड़ू पोछा लगाने में, कितना दुर्भाग्य की बात है। आज हम उठा के देख लीजिए सिजवा में कितना सौ कॉलोनी है, कितना हमारा जीएम डीएम जो भी बड़ा बड़े पद है, कितना भी ऑफिसर के पद में हमारे झारखंडी बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं, कोयला काटने में लगे हुए हैं, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, चाय पिलाने में, कोई है नहीं है। जमीनें हमारी गई, जंगल हमारा उजड़ा, खेत खलिहान हमारे लूटे, और राज कौन कर रहे, बाहर के लोग, बंगाल से आए हुए लोग, उड़ीसा से आए हुए लोग, यूपी से आए हुए लोग, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग, देख लीजिए आंकड़े देख लीजिए ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। सही शक्तिनाथ महतो जी, जिस क्षेत्र के रहने वाले सिजवा में, यहाँ भी जो है युवा जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ लिख करके डिग्री हासिल करके रखें, लेकिन उनको नौकरी को लेकर के फिर कौन क्या करेंगे? वही तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं स्थानीय नीति और नियोजन, देखिए दुनिया में भारत में जितना भी स्टेट है, स्टेट का एक नियम होता है स्थानीय नीति और नियोजन नीति। कोई भी सरकार कितनों ही ढिंढोरा पिटले, जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होगा कोई भी नौकरी नहीं दे सकता। आज झारखंड की जितनी भी नौकरियां फंस रही है, किस लिए फंस रही है? 2 चीज़ों के कारण, स्थानीय नीति और नियोजन नीति। स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, सारी नौकरियां निकलती है, वैकेंसी निकलता है, कोई केस कर देता है, जाके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर खाता है। आज सीजीएल का एग्जाम हुआ 10 साल हो गया, जेपीएससी 5 सालों में होता है, जेटेट का एग्जाम 6 सालों से नहीं हुआ है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम 8 सालों से एक बार हुआ है। सोच लीजिए सभी एग्जाम, सभी तरह के एग्जाम क्यों फंसे पड़े हैं, केवल नियोजन नीति का। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये स्टेट का मामला है, ये बहुत छोटी चीज़ है। आज हमारे साथ अलग हुआ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उन्होंने अपना एक स्थानीय नीति बना लिया, एक नियोजन नीति बना लिया, लेकिन हम कहाँ चले गए?